और लालू जी उतर गए मैदान में तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा जब लालू जी मैदान में उतर गए तो हम। इसमें डिबेट कौन कर रहा कि सनातन थे कि नहीं थे, संविधान किसने बना? हम आज ये हैं कि संविधान हमारे पूर्वज ने बनाया और मजबूती संविधान के साथ खड़ा रहना है। संविधान को बदलने का जो बात करेगा उनको बदलने के लिए नहीं देंगे, उससे पहले उस व्यक्ति को बदल देंगे जो संविधान को बदलना चाहता है। इस देश में 80% हिंदू है तो जरूर जाहिर सी बात है अगर संविधान बना होगा तो 80% उनके योगदान होगा, और हम लोग तो मानते हैं कि हम लोगों ने संविधान बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है, तमाम जो नेता है वो घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसी क्रम में आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटी रोहिणी आचार्या के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो सारण निकले हैं और वहाँ पर रोड शो वो करेंगे। और इसको लेकर के जब पत्रकारों ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से बातचीत किया तो उन्होंने कर्मी को जवाब देते हुए पटना एयरपोर्ट पे क्या कुछ कह रहे हैं, तो पहले आपको सुनाते हैं मुकेश सहनी की पूरी बयान को। लालू प्रसाद यादव भी निकले हैं रोड शो करेंगे अपनी बेटी को लेकर। हाँ, तो निश्चित तौर पे लालू जी जब मैदान में उतर जाए तो फिर बात ही क्या है, और अपने प्रचार में निकले हैं और सब लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं मजबूती से सभी एक दूसरे को मदद करने में लगे हुए हैं। लालू जी उतर गए मैदान में तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा जब लालू जी मैदान में उतर गए तो हम लोगों के लिए आसान होगा। संविधान जो बना है सर, उसमें प्रधानमंत्री कहे हैं कि 80-90% जो लोग थे वो सनातनी थे। भाई ये विवाद कहाँ, कोई बोल रहा कि नहीं थे। इस देश में 80% हिंदू है तो जरूर जाहिर सी बात है अगर संविधान बना होगा तो 80% उनके योगदान होगा, और हम लोग तो मानते हैं कि हम लोगों ने संविधान बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया, खास करके हमारे अम्बेडकर जी ने सब किए हैं, तो हम कहाँ इस पर कोई टिप्पणी हो रहा है। भाई वो तो सब चीज अच्छा है, अभी बात ये कीजिए ना कि भाई आप 2014 में आए, आप क्या वादा करके आए कि युवा को नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, क्या आप वो पूरा कर रहे हैं क्या? आप आइए ये बात कीजिए ना, ये सब चीज तो ये चीज का चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपने जो बोला था कि विदेश से काला धन लाएंगे वो लाए क्या? किसान को आमदनी को दुगुना करने की बात की आपने, किया क्या? आपने आपने कहा कि 2022 तक पूरे देश में जितने भी गरीब है उसका घर हम बना के दे देंगे, आपने बना के दिया क्या? अभी तक मात्र 1 करोड़ भी घर आपने नहीं बना के दिया। तो आप ये बताइए, आप बताइए कि देश में 16,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आपने कैसे आपने गुंडागर्दी करके लोगों से पैसा ले लिया? आप ईडी का सीबीआई का नोटिस भेज के आपने कैसे चंदा ले लिया? आपने कैसे बड़े बड़े टेंडर दे के उसके बदले में आपने उनसे चंदा लिया? ये देश में सही नहीं है। तो ये सारे चीज बताइए ना, आप बताइए कि देश का विकास नहीं हो रहा, देश का गरीब परेशान है, देश में बताइए ना कि हर जिला में आप एक आलिशान बड़ा होटल जैसा आप भवन क्यों बना रहे हैं? इतना पैसा आप कहाँ से लाए हैं? हर जिला में आप एक मुख्यालय कार्यालय बना रहे हैं, केंद्र में आप बड़ा कार्यालय बना रहे हैं, 500-400 करोड़ रुपया खर्चा करके बड़े बड़े शहर में बड़ा बड़ा ऑफिस बना रहे, इतना रुपया कहाँ से लाए? इससे पहले जरूरी है देश के युवा को विकास करने का, उसको नौकरी देने का, ये सब आप काम नहीं कर रहे हैं। आप दुनियादारी ये सब चीज़ पूछ कौन रहा है? इसमें डिबेट कौन कर रहा कि सनातन थे कि नहीं थे, संविधान किसने बना? हम आज ये हैं कि संविधान हमारे पूर्वज ने बनाया और मजबूती संविधान के साथ खड़ा रहना है। संविधान को बदलने का जो बात करेगा उनको बदलने के लिए नहीं देंगे, उससे पहले उस व्यक्ति को बदल देंगे जो संविधान को बदलना चाहता है। हमारे जो भी थे वो बहुत अच्छा संविधान बनाए और संविधान को लेकर हम लोग जिएंगे। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे अभिभावक हैं, यदि वो निकलते हैं बाहर रोड शो करते हैं तो चुनाव जीतना और भी आसान हो जाएगा, राह काफ़ी आसान हो जाएगा, मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मीडियाकर्मी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर के भी उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि संविधान के निर्माण में जो है लगभग 90% जो भूमिका है वो सनातनियों की रही है, तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा इधर उधर की बात करते हैं, ये लोग वही लोग हैं जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि संविधान को जो खत्म करना चाहेंगे हम लोग उसे ही खत्म कर देंगे, ये कह रहे थे मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो हैं और वर्तमान में इंडिया अलायंस गठबंधन के सहयोगी भी हैं। अभी क्या प्रतिक्रिया है इस मसले को लेकर, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।